हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन की एक और बिल्कुल नई रेसिपी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं ये बहुत ही टेस्टी सी सब्जी की रेसिपी। बनाने वाली हूँ बेसन और पालक की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पालक को साफ। तो यहाँ पर ये मैंने 250 ग्राम के करीब पालक ले लिए हैं और अच्छे से साफ कर लेंगे। और जो इसकी डंठल है ये भी हम साथ में ही रखेंगे, इसको हटाएंगे नहीं। पत्ते और डंठल दोनों को ही हम अच्छे से साफ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से साफ कर लिया है, ये देखिए। तो 5 से 6 पानी से मैंने धोया है ताकि इसमें जो भी डस्ट हो, जो भी गंदगी हो, अच्छे से निकल जाए। और इसके बाद इसे हम करेंगे बॉयल। उसे डालते हैं पानी में, डाल देते हैं ये साफ किए हुए पालक। और केवल 2 से 3 मिनट ही बॉईल करना है, इससे ज़्यादा नहीं बॉईल करेंगे। बस हमें पालक के पत्तों को थोड़ा सॉफ्ट करना है। सारे पालक को मैंने डाल दिया है बर्तन में और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पर पालक को मैंने 2 से 3 मिनट बॉईल किया है। इस टाइम पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो पालक है इसे हम निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में। तो यहाँ पर पालक को मैं निकाल लेती हूँ ताकि पालक जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये जो पानी रह गया है इसे यूज़ करेंगे। पर पालक में उतना ही पानी डालें जितना कि आपको सब्जी की ग्रेवी बनानी है। तो यहाँ पर ये पालक के पत्तों को मैंने अलग कर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा इसे इस तरीके से फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो पहले इसे हम अच्छे से ठंडा करेंगे, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगे। हैं बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो इनको डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। यहाँ पर ये मैंने एक छोटा ग्राइंडिंग जार ले लिया है और ये सारा पालक मैं इसमें डाल देती हूँ। पालक को मैंने डाल दिया है ग्राइंडिंग जार में। इसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरी मिर्च। तो यहाँ पर ये मैंने 4 हरी मिर्च ले ली है। इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 4 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा इसमें मैं डाल रही हूँ। और इसके बाद इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे, चटनी जैसा। बिल्कुल पालक का बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। और इसके बाद इस पेस्ट को निकाल देंगे एक बड़े बोल में। तो यहाँ पर ये पेस्ट मैं डाल देती हूँ पूरा। पेस्ट को मैंने बोल में निकाल दिया है और इसे रखते हैं साइड में। और इसके साथ जो ये जार है इसी में हम पीसेंगे एक बड़ा टमाटर। तो यहाँ पर ये मैंने बड़ा टमाटर डाल दिया है। इसके साथ डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पर ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ इसमें डाल देते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा टुकड़े करके डाल देंगे। 5 से 6 हरी मिर्च, तो ये आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, जैसा भी आपको तीखा पसंद हो। और इसके साथ एक छोटा प्याज यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, तो ये छोटा प्याज डाल देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो ये डाल दिया मैंने पानी और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और ये मैंने पेस्ट भी बना लिया है और अब बनाते हैं इसकी सब्जी। और ये जो हमने पेस्ट बनाया था, इस पेस्ट में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेसन। तो 1 कप से कम है, 1/2 कप बेसन है, ये इसमें डाल देंगे। और अब इसे अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसे फेंट लेना है ताकि जो ये मिक्सचर है हल्का हो जाए। और साथ में यहाँ पर मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक अभी तक इसमें नहीं डाला है। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच के आसपास मैंने नमक डाल दिया है और अब इसे अच्छे से फेंटेंगे। यहाँ पर मैंने इसे बहुत अच्छे से फेंट लिया है और ये जो मिक्सचर है काफ़ी हल्का हो गया है। आप चाहें तो थोड़ा सा 2 से 3 पिंच के करीब इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। नहीं डाल रही हूँ, मैंने इसे अच्छे से फेंटा है। तो यहाँ पर ये पूरा मिक्सचर तैयार हो गया है और इस पूरे मिक्सचर को निकालेंगे एक प्लेट में। मैंने ले ली है एक थाली, इस तरीके की थाली ले ली है और इसमें ये पूरा मिक्सचर डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने ये पूरा मिक्सचर डाल दिया है और इसे अच्छे से फैला दिया है, ये देखिए। तो अपने आप ही स्प्रेड हो गया है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, इक्वली स्प्रेड हो गया है पूरी थाली में। और इसे भी रखते हैं साइड में। और साथ में जो हमने ये मसाला पीस के तैयार किया था, इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर। इसके साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। साथ में यहाँ पर डालेंगे धनिया पाउडर, तो 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं। अच्छे से मिला लेंगे इसे ताकि जो सूखे मसाले हैं वो इसके साथ फूल जाए अच्छे से। और अब रखते हैं गैस पर कढ़ाई, बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई रखी है गैस पे मैंने और इसमें डाल लेते हैं तेल। तो 5 से 6 टेबलस्पून के करीब तेल लेंगे और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सरसों का तेल। और तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना है। और इसके साथ यहाँ पर मैंने थोड़े से खड़े मसाले भी लिए हैं। यहाँ पर मैंने साबुत जीरा, 1 तेज़पत्ता, 4 से 5 काली मिर्च है, 5 लौंग है, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 1 सूखी लाल मिर्च है। तो इस तरीके से आप साबुत मसाले का यूज़ ज़रूर करें इस सब्जी में, जिससे कि इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तेल यहाँ पर बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और ये पूरे साबुत मसाले इसमें डाल देते हैं पहले। तो साबुत मसाले यहाँ पर अच्छे से भुन गए हैं, इन मसालों का पूरा फ्लेवर तेल में अच्छे से आ चुका है। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पेस्ट, जो हमने ये मसालों वाला पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये इसमें डाल लेते हैं।
इसके साथ ही थोड़ा सा पानी भी ऐड करके हम ये भी डाल देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। तो यहाँ पर प्याज इस तरीके से ही ऐड करना है, पहले भूनना नहीं है। तो यहाँ पर ये मैंने बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज के प्याज डाले हैं, इसे भी मिला देंगे अच्छे से। इसको बहुत अच्छे से भूनना है। तो मसाले को यहाँ पर कवर करके भूनेंगे, और साथ ही यहाँ पर मसाले के बिल्कुल सेंटर में रख रही हूँ मैं एक कटोरी। तो अच्छे से सेट कर देंगे, और जो हमने ये बेसन वाली प्लेट बनाई थी पालक और बेसन की, वो इसके ऊपर रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो भी भूनता रहेगा, और जो ये बेसन और ये पालक है वो भी बहुत अच्छे से स्टीम हो जाएगा। आप चाहें तो इसे अलग स्टीम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सब्जी बनाते समय स्टीम करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और जल्दी तैयार भी हो जाएगी सब्जी। और यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं थाली को कढ़ाई में रखे हुए, और ये जो मिक्सचर है पूरी तरीके से सेट हो गया है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। इस टाइम पे हम इस थाली को निकाल लेंगे। तो इसे रखने के लिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा था, ताकि मसाला भी हमारा ना जले और मसाला भी भूनता जाए, साथ में ये भी अच्छे से स्टीम हो जाए। और इसके बाद इस कटोरी को भी निकाल लेंगे। तो इसमें काफी मसाला लगा हुआ है, तो थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे ताकि सारा मसाला कढ़ाई में चला जाए। और इसके बाद हम मसाले को भून के तैयार करेंगे, और जो बेसन और पालक का जो मिक्सचर थाली में है उसे अच्छे से ठंडा करेंगे। पंखे की हवा में रख दें, फ्रिज में रख दें, कहीं भी रख दें, उसे अच्छे से ठंडा करें और मसाला भी अच्छे से भून लें। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पर बेसन और पालक वाला जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है, और ये देखिए ऊपर की जो सरफेस है पूरा हार्ड हो चुका है। तो ये अंदर से भी बिल्कुल वैसा हो गया है कि हम इसे आराम से छू सकते हैं, गीला नहीं रह गया ये। तो अब इसके करेंगे पीसेस कट। तो यहाँ पर इसके पीसेस कट कर लेते हैं, छोटे बड़े जैसा भी चाहें आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ पालक के पीसेस जो है निकाल लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि थाली में बिल्कुल भी ना चिपके तो थोड़ा सा इसमें तेल लगा के तब डालें ये मिक्सचर। मैंने तेल नहीं लगाया था तो थोड़ा बहुत चिपक गया है ये। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये बर्फी। और आप चाहें तो ये नाश्ता बिल्कुल ऐसे ही डीप फ्राई करके, शैलो फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। और लेकिन यहाँ पर मैं इसकी बनाने वाली हूँ सब्जी। चाहे तो इस तरीके के पीसेस बना के आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के अच्छे से उसे बंद करें, और उसके बाद इसे रख दें फ्रीजर में, और एक हफ्ते तक एंजॉय कर सकते हैं। सब्जी बनाना हो सब्जी बना सकते हैं, स्नैक्स तैयार करना हो स्नैक्स तैयार कर सकते हैं, तो कोई भी आइटम इससे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। मसाला भुनने के बाद सेम टाइम पे यहाँ पर ऐड कर देंगे हरा धनिया, जिससे कि और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगी हमारी ये ग्रेवी। और धनिया को भी भून लेंगे डालने के बाद। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला लिया है, और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ पालक जो हमने बॉईल की थी उसका पानी। अगर आपका पानी जो है बच जाता है तो आप किसी और रेसिपी में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ, तो इसे फेंकना नहीं है क्योंकि ये पानी भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। अच्छे से मिला देंगे और एक बॉयल आने देंगे इसमें। यहाँ पर ग्रेवी की जो थिकनेस है आप अपनी जरूरत के अनुसार रख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। तो हमने ग्रेवी में नमक नहीं यूज किया है, तो अब इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा मैंने यहाँ पर नमक लिया है, और आधा चम्मच ही गरम मसाला डालेंगे क्योंकि हमने साबुत मसालों का भी यूज किया है। तो गरम मसाले का जो पाउडर है बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, केवल आधा ही चम्मच डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे सभी चीजों को। यहाँ पर ग्रेवी में आ गया है बॉयल, और हमने जो ये पालक के पीसेस रखे थे ये इसमें डाल देंगे। मैं सारे ही डाल देती हूँ इसमें। डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे और केवल 2 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। तो आराम आराम से मिक्स करना है, नहीं तो जो पीसेस हैं टूट सकते हैं। तो करके 2 मिनट के करीब पका लेती हूँ, और आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना प्यारा आया है। सब्जी को यहाँ पर बीच में हम एक बार चला लेंगे। और दोबारा से मैं 1 मिनट इसे कवर करके पका देती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकाते हुए, और ये हमारी पालक की सब्जी बिल्कुल तैयार है। डालते हैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और करते हैं इसे सर्व। और यहाँ पर तैयार है हमारी पालक बेसन की सब्जी। गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस तरीके से पालक और बेसन की सब्जी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, तो जरूर ट्राई करें। एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट सब्जी बनेगी अगर आप मैंने जैसे बनाया है बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करेंगे तो। और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें ये रेसिपी, और खासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी हो जाता है, क्योंकि बच्चे पालक खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर आप इस तरीके से सब्जी बनाकर उन्हें देंगे तो बिल्कुल खाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें आपने पालक डाला हुआ है। और ये पनीर से भी ज्यादा टेस्टी बनती है, तो जरूर ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें।